नमस्कार, स्वेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने आई पूर्व आईएएस किरण बेदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किरण बेदी की ओर से किसी भी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने आई है, इसके अलावा वह कुछ नहीं बोलना चाहती। जो भी गोल्डन टेम्पल आंदा है वो शुक्रिया करना आंदा है, धन्यवाद करना आंदा है। यह जीवन दान होंगे, तंदुरुस्ती जिन्हों मिले उन्होंने सब कुछ मिल गया, बस उदा शुक्र करना आंदे हैं गुरु के चरणा च कि तू मैं इन्नी एनर्जी दिती, ऊर्जा दिती, सेवा भाव दिता, मौका दिता सेवा करन दा, तेरा लख लख शुक्र है, ईश्वर का लख लख शुक्र है। जो भी दिता वह आपदा मैं लायक और काबिल बनाए रखना, सो मैं शुक्र करना आई सी। अमृतसर के मजीठा रोड के फतेह सिंह एवेन्यू में एक किशोर के केशों की बेदबी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय गुरदीप सिंह ने बताया कि वह दोपहर को घर के पास ग्राउंड में खेल रहा था, तभी इलाके के रहने वाले कुछ लोगों ने रंजिश के चलते उसको पीटा और उसे उठाकर एक खाली प्लॉट में ले गए। गुरदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसके केशों के साथ बेदबी की है। घटना की जानकारी मिलते ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब कमेटी के सेवादार बलबीर सिंह मुच्छल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मजीठा रोड थाने की पुलिस को मामले की शिकायत की है। सदर थाना अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जांच में जो आरोपी होगा उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गुली डंडा खेड़दे खेड़दे दे साथी दे कोलों डंडा छुट के ते लागे प्लाट सीगा जदे विच कोई सब्जी सुजी सीगी, उथे डंडा जा डिगा ते ए डंडा लैण वास्ते गया ते उथे दो बंदे खलोते, दो भरा पहाड़िए के पहाड़िए आ कहिंदे ओ, ते उन्होंने की किया भी जदों मैं डंडा लैके वापस मुड़ लगा ते उहनूं गाल कढ़ी, उह गाल नहीं करना चाहुंदा ते रिपीट जो उन्होंने बोली इन्नी गंदी गाल कढ़ी मां नूं। सो इस बच्चे ने अगों कहा कि मेरी माँ गाल क्यों कढ़ी, अंकल जी गलती हो गई, अं कड़ा जान के सुटिया, तो उल्टा ये चपेड़ा मारियाँ, ये चपेड़ा ये वजन के बावजूद भी यह घरे आ गया, घरे आण के अपने दरवाजे अगे खलोता, तो एक एक्टिवा ते एक मोटरसाइकिल ते दो दो सवार मुंडे आते आण के इनू कहें कि तेरे खिलाफ़ असी दरखास्त दी है, तेरा परचा कटिया गया तो वो उत्ते तेरे सैन चाहिए है, तो तू साडे नाल चल। ये नाल जाता है तो गली दे विच खिलार के उत्थे ले जा के उन्हां पहाड़ियां ने अपने घरे घर दे दरवाजे दे अगे उत्थे इहनूं कुट्टिया है। नाल एक धर्मवीर नां दा बंदा धर्मवीर सिंह, उन्हें इहदी धौण दे विच मारिया, ये तुसीं वेख ही लईआं इहदीआं शट्टां जिहड़ियां उह तुहानूं दिखा दित्तियां, बहुत मारिया और इहदे केसां दी बेदबी, इहदे ककारां दी बेदबी कीती है, कंघा इहदा हुण तक लभ नहीं रिहा, अमृतधारी सिख आ। सो असीं चाहुंदे हां कि जो बणदी कारवाई आ परचा कट के जिहड़ी आ प्रशासन आ पुलिस आ वह बनती कार्रवाई करे और जो जिन्होंने ये धक्का किया ककारा की ये केसा की बेदबी की है वह बनती उन्होंने कार्रवाई की जाए जी। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने मोदी की नोटबंदी के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण देश की हालत दयनीय हो गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अमृतसर लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार उपकार सिंह संधू ने कहा कि मोदी की नोटबंदी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मोदी के दावों के बावजूद अभी तक देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने मोदी जी को 100 दिन बीत जाने तो बाद जवाब मंगने लिए एक पीसफुल रोस प्रोटेस्ट किए, जिदे विच उन्होंने पूछा गया आ कि 100 दिन जीत जाने बाद सानू दस्या जावे कि किन्ना काला धन तुसी बाहर लिया और 100 तो वध मौतां हो गई ने, उन्हां दा तुसी की कीता और किन्ने लोग बेरोज़गार होए आ, लाइना च लग के लंबा समा लोग परेशान होंदे रहे आ, उन्हां लई तुसी की कीता है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी तुहाडे इस नोटबंदी दे प्रोग्राम नू समझ नहीं सके और तुसी समय समय से अपनियां स्टेटमेंट्स बदलते रहे। जितों तक आतंकवाद की गल नकली करंसी की गल आ, थोड़े दिन पहला ही अखबारों असी खबर पढ़ी सी कि बंगलादेश राही 2000 नोट दे नोटा की नकली करंसी इंडिया विच आ गई है। सो वो तुहाडा ये स्टैप यूजलैस है, पर एक गल जरूर है कि लोगों नूं तुसीं अज मतलब इन्ना क हालो बेहाल कर दिता है, बेरोज़गारी पहला ही बहुत ज़्यादा सी और लोग जिन्ने परेशान होए आ, इस सब कुछ का तुसीं देश दे एक जिम्मेवार व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, सब कुछ का जवाब मंगती है जनता तुहाडे कोलों और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने अज पीसफुल प्रोटेस्ट करके मोदी जी कोलों इन सारियां गल्लां का जवाब दिता है कि
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 2019 में आने वाले साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 500वें प्रकाश पर्व को सांझे तौर पर मनाने का आमंत्रण दिया गया है। इस संबंध में पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान बिशन सिंह ने कहा कि नानक नाम लेवा संगत पूरी दुनिया में है और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाती है। ऐसे में वे चाहते हैं कि SGPC भी पाकिस्तान स्थित गुरु धामों में इस पर्व को वहां आकर धूमधाम से मनाए। उधर SGPC प्रधान किरपाल सिंह बंडूंगर ने कहा कि पाकिस्तान स्थित गुरु धामों की कार सेवा के लिए वे मौजूदा प्रधान तारा सिंह के माध्यम से पाकिस्तान सरकार से संपर्क करेंगे और वहां स्थित गुरु धामों की कार सेवा हासिल करने की कोशिश करेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साढ़े वड्डी कमेटी सरमौर जथेबंदी हमेशा सेना को राय लेंदे रहे। साबका प्रधान साहब तो भी ये भी पहले प्रधान साहब रह चुके हैं, दोबारा वाहेगुरु ने सेवा बख्शी है। पाकिस्तान कोई ऐसी गल नहीं, उत्थे बाहर दे यूके दे भी कार सेवा चल रही है, बाबा जगतार सिंह भी कार सेवा कर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी अगर उत्थे कार सेवा करना चाहे तो असं जरूर इन्हों देवे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो साबका प्रधान से उन्हें भी उत्थे तंबू साहब एक सराह बनाए से, उत्थे सारे वास्ते दरवाजे खुले ने। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।